तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आसान शब्दों में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली आम ट्यूब्स और कैथेटर के बारे में समझने वाले हैं कि कौन कौन से ट्यूब्स को क्या कहते हैं और उन ट्यूब्स और कैथेटर का आखिर हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो चलिए सभी ट्यूब्स और कैथेटर को समझते हैं। और ये सब जानना उन सभी छात्रों के लिए जरूरी है दोस्तों जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो ट्यूब आती है उसका नाम है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो इस तरह की होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देखकर समझ सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। यह सबसे आम ट्यूब है दोस्तों, जिसे नाक के माध्यम से पेट में डाला जाता है। कुछ इस तरह से यह नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को नाक से पेट तक भेजा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसका उपयोग तब करते हैं दोस्तों जब कोई पेशेंट कुछ खाने में सक्षम ना हो, यानी कि वह पेशेंट मुंह से डायरेक्ट कुछ खा नहीं पाता, तब इस ट्यूब को लगाया जाता है ताकि पेशेंट को भोजन, तरल पदार्थ और दवाओं को दिया जा सके इस नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के हेल्प से। इसके नाम में भी दोस्तों नेसो साउंड आ रहा है, यानी कि नाक में लगाया जाने वाला ट्यूब। तो आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि यह कैसे लगाया जाता है और किस कारण में लगाया जाता है। होप सो आप इस नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट ट्यूब है वो है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे ओजी भी कहते हैं। यह ट्यूब इस तरह की होती है जिसका उपयोग दोस्तों मुंह के माध्यम से सीधे पेट में दवा और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। बस इस ट्यूब को नाक से नहीं, मुंह के माध्यम से पेट तक डाला जाता है, इसलिए इस ट्यूब को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को कैसे यूज करते हैं और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को कैसे यूज की जाती है। नेक्स्ट ट्यूब है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। यह कुछ इस तरह की ट्यूब होती है दोस्तों, जिसे एब्डोमिनल वाल के जरिए पेट के अंदर डाला जाता है, जैसा कि आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि इस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को कैसे फिट किया जाता है। इसका उपयोग उन लोगों में करते हैं दोस्तों जो दवा खा या निगल नहीं सकते, इसलिए इस ट्यूब के हेल्प से लिक्विड फूड और दवा पेट में डाली जाती है। अब नेक्स्ट ट्यूब है वो है जेजुनोस्टोमी ट्यूब, जिसे जे ट्यूब भी कहते हैं। यह कुछ इस तरह की एक सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब होती है दोस्तों, जिसे पेशेंट के सीधे छोटी आंत यानी कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है दोस्तों जब पेट में किसी तरह की समस्या होती है, जिसके कारण पोषण तत्वों को, न्यूट्रिशन को सीधे छोटी आंत में पहुंचाने की जरूरत होती है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर इस जेट ट्यूब के यूज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूब है टी ट्यूब। यह इस तरह की टी शेप में आती है। इस ट्यूब का उपयोग दोस्तों गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की सर्जरी के बाद यूज किया जाता है। इसको बाइल डक्ट में कुछ इस तरह से लगाकर बाइल्स को निकाला जाता है ताकि गाल ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं को रोका जा सके। इस इमेज के माध्यम से भी आप इस टी ट्यूब के यूज को समझ सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों इस ट्यूब का यूज गाल ब्लैडर के सर्जरी के बाद करते हैं। नेक्स्ट जो ट्यूब है वो है इंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि आपको इस तरह की ट्यूब मिलती है। यह एक समान श्वसन ट्यूब है दोस्तों, जिसे कुछ इस तरह से नाक या मुंह के माध्यम से श्वास नली में डाला जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस इंडोट्रैकियल ट्यूब के हेल्प से मरीज को वेंटिलेशन से ऑक्सीजन प्राप्त करवाई जाती है। यह उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट ट्यूब है दोस्तों जो अपने दम पर सांस नहीं ले सकते। वैसे पेशेंट के लिए इस ट्यूब का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बेहोश पेशेंट, सर्जरी के दौरान के पेशेंट, या जिसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही हो वैसे मरीज। नेक्स्ट ट्यूब आती है वो है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जो कि इस तरह की यह ट्यूब आती है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को ट्रेकिया में यानी कि श्वास नली में गर्दन के माध्यम से छोटी सी सर्जिकल चीरे के जरिए डाला जाता है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि इस ट्यूब को कैसे पेशेंट में फिट किया जाता है। यह उन रोगियों के लिए उपयोग में लाई जाती है दोस्तों जिन्हें लंबे समय के लिए ब्रीथिंग सहायता की जरूरत होती है। यह ईटीटी के तुलना में दोस्तों काफी आरामदायक होता है और मरीज को बात करने और खाने में
काफी मदद करता है। यह ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, होप सो ये भी आपको इजिली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नेजल कैनुला। यह एक छोटी प्लास्टिक ट्यूब होती है दोस्तों, जो नाक के दोनों होल में फिट हो जाती है और इसका यूज पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है। जिन पेशेंट में हल्की फुल्की सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, उस कंडीशन में इस नेजल कैनुला का यूज किया जाता है। और इसको आप भी किसी न किसी पेशेंट में लगा हुआ भी जरूर देखे होंगे, क्योंकि यह नेजल कैनुला काफी कॉमनली यूज की जाने वाली कैनुला है दोस्तों। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब। सीने में जमा फ्लूड यानी कि दोस्तों तरल पदार्थ या हवा को बाहर निकालने के लिए इस चेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। कुछ इस तरह से पेशेंट में इस चेस्ट ट्यूब को लगाया जाता है। इस ट्यूब को चेस्ट वाल में एक छोटे से कट लगाकर प्लूरल स्पेस में डाली जाती है, ताकि प्लूरल स्पेस में जमा फ्लूड को इस ट्यूब के माध्यम से निकाला जा सके। नेक्स्ट है एब्डोमिनल ड्रेन। इस तरह की यह एब्डोमिनल ड्रेन होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों एब्डोमिनल कैविटी में जमा होने वाली फ्लूड या ब्लड को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इस नली को एब्डोमिनल वाल में एक छोटे से चीरा लगाकर कुछ इस तरह से पेशेंट में फिट किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि यह एब्डोमिनल ड्रेन कैसे फिट होती है। नेक्स्ट आती है जैक्सन प्राट ड्रेन, जिसे शॉर्ट में जीपी भी कहते हैं, जो इस तरह की होती है। इसका यूज दोस्तों सर्जरी के बाद जमा रक्त या अन्य फ्लूड को निकालने के लिए किया जाता है। कुछ इस तरह से लगाया जाता है और इसी छोटी बोल में फ्लूड आकर जमा होती है। इस इमेज को देखकर आप इजीली समझ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है पेनरोज ड्रेन, जो इस तरह की रबर की पतली नली होती है, जो घावों से निकलने वाले पस या अन्य फ्लूड को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पेनरोज ड्रेन को घाव के किनारे डाली जाती है, जैसा कि आप इस पेशेंट को देख सकते हैं, और इसके घाव में यूज होने वाली पेनरोज ड्रेन को भी कैसे घाव से फ्लूड निकालने के लिए लगाई गई है। नेक्स्ट आती है फोलिक कैथेटर। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेशाब को बाहर निकालने के लिए यह ट्यूब यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से डालते हुए यूरिन ब्लैडर तक डाली जाती है। इसमें दो ओपनिंग होती है दोस्तों, एक मूत्र बैग को जोड़ने के लिए होता है और दूसरा बैलून फुलाने के लिए होता है। यह फोलिक कैथेटर भी काफी आम इस्तेमाल होने वाली कैथेटर है अस्पतालों में। नेक्स्ट आती है इंटरमिटेंट कैथेटर, जो कि आपको इस तरह की पतली ट्यूब मिलती है। इसको समय समय पर दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है और ब्लैडर खाली होने के बाद हटा दिया जाता है। इसका उपयोग ब्लैडर कंट्रोल इशू वाले लोगों में यूज किया जाता है, जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है। नेक्स्ट आती है इंडवेलिंग कैथेटर। यह कैथेटर लगातार ब्लैडर में रहते हैं। इनमें एक छोटा सा बैलून होता है दोस्तों, जो इसे अपनी जगह पर रखता है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो खुद कैथेटराइज नहीं कर सकते और लंबे समय के लिए बेड रेस्ट करनी होती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैथेटर। यह कैथेटर दोस्तों पुरुषों के लिंग के बाहरी हिस्से या महिलाओं के वुल्वा पर बिना अंदर डाले ही इस एक्सटर्नल कैथेटर को लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं। इनका काम मूत्र इकट्ठा करने के लिए लगाए जाते हैं। इसको उन पेशेंट में लगाया जाता है दोस्तों, जिन्हें इंटरनल कैथेटर लगाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है आईवी सेट, जिसे इंट्रावेनस सेट भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों फ्लूड और दवाएं चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इस आईवी नीडल को सीधे नस में डाला जाता है आईवी फ्लूड से जोड़कर, जरूरत के अनुसार मरीज को दिया जाता है दवा या फ्लूड। नेक्स्ट आती है दोस्तों आईवी कैनुला। इनका उपयोग दोस्तों आईवी फ्लूड और दवाएं और ब्लड प्रोडक्ट को सीधे ब्लड फ्लो में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल वेनस कैथेटर सीवीसी। इस कैथेटर को दोस्तों गर्दन या ऊपरी छाती के गले सब क्लेवियन वेन्स में डाली जाती है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इस कैथेटर को सेट किया जाता है। इस कैथेटर को दोस्तों इमरजेंसी वार्ड में यूज किया जाता है, किसी बड़ी सर्जरी या
ऑपरेशन के दौरान। नेक्स्ट है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। इस कैथेटर को हाथ या बांह के नस के माध्यम से बड़ी रक्त वाहिकाओं में डाली जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है डायलिसिस कैथेटर। कुछ इस तरह की यह कैथेटर होती है दोस्तों, जो एक लचीली ट्यूब होती है जिसे किडनी फेलियर वाले लोगों के रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट और अधिक जमा फ्लूड को निकालने में मदद करने के लिए नस या पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। नेक्स्ट आती है लंबर ड्रेनेज कैथेटर। इस कैथेटर को दोस्तों लंबर रीजन में डाले जाते हैं। कुछ इस तरह से इस लंबर ड्रेनेज कैथेटर को पेशेंट में डाली जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसका उपयोग दोस्तों सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालने और दवाएं देने में यूज किया जाता है। ये थी दोस्तों कुछ ऐसे कॉमन ट्यूब्स और कैथेटर जो आए दिन हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में ली जाती है, और ये सब की जानकारी आपको भी जरूर होनी चाहिए कि किस ट्यूब्स या कैथेटर को क्या नाम से जानते हैं और इनका यूज क्या है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।